अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर लगातार साइलेंसर की दुकानों पर ट्रैफिक विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कुछ साइलेंसर भी जब्त भी किए गए हैं, किस तरह की कार्रवाई और क्या कहना चाहेंगे सर? 3 जनवरी को माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं और जो मोटरसाइकिल ब्लड मोटरसाइकिल वगैरह इनमें जो साइलेंसर मॉडिफाई करके और पटाखे की तरह आवाज़ निकालना ऐसे मानव के विरुद्ध कार्रवाई की थी उस समय, और हमें सूचना मिली कि कुछ दुकानदार जो विक्रेता हैं जो कि इनका चेंज करते हैं मॉडिफाई करते हैं, तो उस पर टीम बना के रवाना करी, तो ये अक्रम शेख पिता छोटू शेख 38 वर्ष महकने के हैं, ये ग्राम उतियारी केड़ी थाना सिविल लाइन की। हमने दुकान पर जाके वहाँ सूबेदार साहब हमारे गोविंद की टीम ने जहाँ जाके दबिश दी और वहाँ चेक किया, तो ये 16 साइलेंसर ऐसे जो कि पाए गए अनाधिकृत रूप से, जो कि MB एक्ट के धारा 182 का पब्लिक 3 के अंतर्गत दंडनीय है, उसके जीवित उनके जो साइलेंसर वगैरह जब्त करके और उन साइलेंसरों की हमारे जो मोटर टेक्निकल ऑफिसर MTO से उसकी रिपोर्ट ली जा रही है, रिपोर्ट उपरांत इन सबों के इस्तगासा तैयार करके और विक्रेता के खिलाफ माननीय न्यायालय CGM के में इस्तगासा पेश किया जाएगा जहाँ इन पर जुर्माना किया जाएगा। और भी जगह हुए हैं, ये पहली कार्रवाई है यहाँ पे, और ये अब हमने टीम बना दी है लगातार इस प्रकार की कार्रवाई, जो पटाखे फोड़ती मोटरसाइकिल वगैरह इन पर कार्रवाई करेंगे। लगभग एक मोटरसाइकिल में 1,00,000 रुपये से अधिक का जुर्माना है, ये माननीय न्यायालय अपने व्यवहार अनुसार इस पर जुर्माना करते हैं। हमारी टीम लगी है, ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। इसकी सर जगह जगह चेकिंग होगी? हाँ, बराबर चौराहे पर भी चेकिंग रहेगी। मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी इस प्रकार की कोई मोटरसाइकिल वगैरह मिलती है तो आप कृपया सूचना दें, सूचना नहीं मिले तो उसका फ़ोटो खींच के और पुलिस के ग्रुप में डाल दें, तो हम उनके खिलाफ CGM कोर्ट में इस्तगासा दायर करके उनको दंडित किया जा सके। ठीक है सर।